तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। मेरे बच्चों की पढ़ाई, उनका करियर, बाकी की शादी, मेरे बाबा की हेल्थ, घर के खर्चे, ये सब कैसे? ऐसे कैसे मुझे नौकरी से निकाल सकते? मैंने पूरी जिंदगी अपनी इस कंपनी को दे दी। वनराज की नौकरी नहीं रही, बेरोजगार हो गया है वनराज। और ये खबर काव्या ने ही वनराज को सुनाई है। और ये खबर सुनते ही वनराज की बिगड़ गई है हालत। क्या होगा काव्या? मेरे बच्चों की पढ़ाई, उनका करियर, बाकी की शादी, मेरे बाबा की हेल्थ, घर के खर्चे, सब कैसे? मेरी पूरी फैमिली मुझ पर डिपेंड करती है, मैं फेल नहीं हो सकता। मगर फिर भी वनराज का घमंड कम नहीं हुआ। उसे लगता है कि उसे नौकरी तो यूं मिल जाएगी। उन्हें क्या लगता है? मेरी नौकरी ले ली तो एक नौकरी के लिए मैं उनके आगे हाथ जोड़ूं? ऐसे ऐसे मिलेगी मुझे नौकरी? मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि लोग मेरे पास भागे भागे आएंगे नौकरी के ऑफर्स लेके। उसे जब मिलेगी तब मिलेगी। मगर अनुपमा के घर नौकरी का इंटरव्यू पास करके आई है किंजल बहू, जिसकी खुशी सुनकर अनुपमा बहुत खुश है। समर भी खुश हो गया है। मम्मी की लाइफ पूरी चेंज हो गई आफ्टर द रेवलेशन ऑफ माय डैड्स रिलेशनशिप। तो उसके बाद से जो मम्मी का जो जर्नी है वो थोड़ा सा यू नो सैडनिंग जोन की तरफ चला गया। बट स्टिल जो डेडिकेशन मम्मी ने शो में दिखाया, जो अनुपमा ने जो डेडिकेशन दिखाया, जिस तरीके से वो सारी चीज़ें हैंडल कर रही है, वो काबिले तारीफ है। और अब बा भी किंजल की क्यूट हरकतों से खुश हो गई हैं और उसे आशीर्वाद भी दे दिए हैं। तो अब अनुपमा भी स्कूल के साथ साथ डांस क्लास को बढ़ावा देने के लिए समर नंदू की मदद से आगे बढ़ रही है। मगर वनराज और उसकी बेटी पाखी की चिंताएं जरूर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यहाँ तो भाई काव्या की मेड नहीं आती तो उन्हें मजबूरी में सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स खाने के लिए आदेश दिया जाता है। आज मेरी मेड नहीं आ रही है, प्लीज तुम ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स खा लेना। बाकी को स्कूल के लिए टिफिन भी नहीं मिलेगा और अब वनराज की नौकरी ही नहीं रही तो पैसा भी नहीं मिलेगा, तो काव्या के नखरे तो शुरू होने ही वाले हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।